करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए टू फेल का यूज करके टू फेल लगाते हैं। देखिए इसे आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट देखा, मैंने रेड फोर्ट देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आई डिड नॉट, और आप फेल लिख देंगे और सॉ को सी में कर देंगे, क्योंकि डिड जहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड नॉट फेल टू फेल के साथ इन्फिनिटिव, टू सी द ताज, टू सी द रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट लिख देंगे, रेड फोर्ट, आई प्लेड द गेम, तो आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम, जैसे वेन आई एम लेट माई मदर बीट्स मी, तो इसका हो जाएगा माई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये सेंटेंस, लिखेंगे माई मदर, माई मदर, अब बीट्स मी डज नॉट फेल, माई मदर डज नॉट फेल टू बीट मी कॉमा, बीट मी ऐसे लिख देंगे, और यहाँ अगर वेन्स लगाया तो यहाँ पे वेन आई वॉज लेट, यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, बीट मी नॉट फेल टू बीट मी वेन आई, और ये पूरा ऐसे लिख देंगे वेन आई एम लेट, जैसे लर्न योर लेसन वेल, तो क्या लिखेंगे, अभी देखिए जब भी कभी इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं वहाँ डोंट लगा देते हैं, डोंट या डू नॉट, डोंट लगा के और फेल टू लिख देंगे, फेल टू लर्न योर लेसन, लेसन वेल लिख देंगे, सी विल हेल्प द पुअर पीपल, तो लिखेंगे सी विल नॉट फेल टू, फेल टू हेल्प द पुअर ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मतलब अनाथ लोग। अब बात करने वाले हैं अफर्मेटिव नेगेटिव का कुछ नया रूल। देखिए जैसे ओनली या किसी को सेंटेंस में ओनली या अलोन आ जाए तो उसको नन बट में चेंज करेंगे, एज सून आ जाए तो नो सूनर और उसके साथ देन लगाएंगे, वेन वेन एवर या वेन आए तो उसको नेवर और बट में चेंज करेंगे, ये एक कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजक्शन है। जैसे कह दिया ओनली मोहित केम टू सी मी, क्या लिखेंगे नन बट, ओनली को ओनली अलोन को नन बट करते हैं, अलोन भी लिखा होगा तो उसको नन बट करेंगे, लिखेंगे नन बट, और यहाँ पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव लिख देंगे केम टू सी मी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जैसे ओनली द रिच रिच कैन बाय, तो क्या लिखेंगे नन बट, द रिच कैन बाय दिस कार। जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर है वेन एवर आई सी हर आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बी लव्ड, तो इसका हो जाएगा यहाँ देखिए आज हमने क्या बोला कि वेन नेवर या वेन को नेवर में चेंज करना है, तो ये तो वेन नेवर स्टार्टिंग में लगा है, नेवर बीच में लगाएंगे, कहाँ पे मेन वर्ब से जस्ट पहले, तो क्या लिखेंगे आई, या आई सब्जेक्ट है तो यहाँ आई लिख देंगे, आई और फिर नेवर और फिर वर्ब की मेन फॉर्म, मेन यानी वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो है सी, Whenever I see her, I am reminded of my beloved. तो हो जाएगा I never see her. ये देखिए see her लिख देंगे और यहाँ पर एक correlative pair क्या लगाएंगे but लगा देंगे और बस but और ये I एक बार लिख चुके हैं तो इस I को drop कर देंगे तो क्या लिखेंगे but M और बाकी वही सेंटेंस लिख देंगे रिमाइंडेड ऑफ माय बी लव्ड। जैसे ये एज सून एज को हम क्या करेंगे एज सून एज को नो सूनर और कोरिलेटिव पेयर नो सूनर और देन लगा देंगे, लेकिन नो जब नो सूनर ये एक एडवर्बियल फ्रेज का काम करता है, अगर ये स्टार्टिंग लगाएंगे तो इन्वर्जन लेगा, तो लिख देंगे ऐसे नो सूनर वी रीच, तो क्या लिखेंगे डिड वी रीच, वर्ब की बेस फॉर्म लगा देंगे रीच द स्टेशन और कॉमा हटा के क्या लगाएंगे देन,
देन द ट्रेन विसेल्ड, विसेल मतलब होता है सीटी मारना, विसेल्ड ऑफ, ऐसे लिखेंगे।